Subscribe now to receive new updates every day. क्रिकेट एक टीम खेल हो सकता है, लेकिन यह भी सच है खिलाड़ियों को टीम में बने रहने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी ध्यान देना होता है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जब वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए टीम की साख दांव पर लगा देते हैं। क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब क्रिकेटरों ने खेल भावना के उलट चलकर भद्र पुरुषों के इस खेल की साख को बटा लगाया है। तो आइए जानते हैं क्रिकेट इतिहास की चार घटनाएं जब क्रिकेटरों ने खुद गर्जी का परिचय दिया। चार, जब डेविड वार्नर ने 2012 सीबी सीरीज के फाइनल में 140 गेंदों में बनाया शतक। डेविड वार्नर उन विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं जिनसे पूरी दुनिया के बल्लेबाज खौफ खाते हैं। वह पहली गेंद से ही शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक बार 140 गेंदों में शतक बनाया था और वह भी श्रीलंका के खिलाफ सीबी सीरीज के फाइनल में। उनका यह शतक ऑस्ट्रेलियाई टीम की हार का कारण बना। 2012 में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज का फाइनल खेल रहे थे। पहले बल्लेबाजी कर रही कंगारू टीम की तरफ से माइकल क्लार्क ने 91 गेंदों पर शानदार 117 रन बनाए। वार्नर, जिन्होंने पिछले मैच में 163 रन बनाए थे, से इस मैच में भी अपना प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। वार्नर ने अपनी धीमी पारी में केवल 5 बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। वह पारी के 46वें ओवर में आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 271 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने तिलकर अपने दिलशान के शतक और कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने के दोहरे अर्धशतकों की बदौलत 5 ओवर पहले ही यह मैच जीत लिया। इस हार का सबसे बड़ा कारण वार्नर की धीमी पारी को माना गया। 3. जब ट्रेवर चैपल ने अंडर आर्म गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक मैच में कीवी टीम को जीत के लिए अंतिम गेंद में 7 रनों की जरूरत थी, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की थी या फिर आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच को टाई किया जा सकता था। हालांकि आखिरी गेंद पर छक्का लगने की संभावना लगभग ना के बराबर थी, फिर भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो उस समय गेंदबाजी कर रहे ट्रेवर चैपल, जो कि ग्रेग के भाई थे, को उन्होंने अंडर आर्म गेंद करने के लिए कहा, क्योंकि ऐसी स्थिति में छक्का लगाना मुमकिन नहीं था। उस समय अंडर आर्म बॉलिंग के बारे में कोई नियम नहीं था, इसलिए अंपायरों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच तो जीत लिया, लेकिन कप्तान चैपल की यह हरकत क्रिकेट इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद की जाएगी। 2. सूरज रणदीव ने नो बॉल फेंकी जब वीरेंद्र सहवाग 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। 2010 में श्रीलंका के गेंदबाजों ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को शतक बनाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। भारत उस साल श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ एक त्रिकोणीय सीरीज खेल रहा था। इस सीरीज के एक मैच में भारत ने श्रीलंका को 170 रनों पर ढेर कर दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और उसके 3 विकेट सिर्फ 32 रनों पर गिर गए। लेकिन दबाव के बावजूद सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपना नैसर्गिक खेल जारी रखा। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की खूब धुनाई करते हुए उन्हें मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, उस समय सहवाग 99 रन बनाकर खेल रहे थे। सहवाग ने सूरज रणदीव की गेंद पर छक्का जड़ दिया, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर नो बॉल फेंकी थी, इसलिए यह रन पहले गिना गया। तो इस तरह से सहवाग शतक बनाने से महरूम रह गए। रणदीव को उनकी इस हरकत के कारण एक मैच का प्रतिबंध झेलना पड़ा था। 1. जब लसित मलिंगा ने सचिन तेंदुलकर को शतक बनाने से रोका। सचिन तेंदुलकर ने भले ही 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हों, लेकिन यह भी सच है कि वे कई बार नर्वस 90s का शिकार होते रहे हैं। 2009 में वे अपना 46वां एक दिवसीय शतक लगाने के बेहद करीब थे जब यह घटना हुई। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने 240 रनों का पीछा करते हुए 41 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 226 रन बना लिए थे। तेंदुलकर, जो उस समय 90 के स्कोर पर थे, उन्होंने 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। उनके साथी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक शेष 4 गेंदों में सिंगल लेकर सचिन को शतक बनाने का मौका दे सकते थे, लेकिन उस ओवर में कार्तिक ने छक्का जड़ा, जिसका मतलब था कि भारत को मैच जीतने के लिए अब सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी। अगले ओवर में सचिन ने एक चौका लगाया और 1 रन लिया। वह 99 पर थे और यह सुनिश्चित था कि कार्तिक ओवर में बाकी बची हुई गेंदें खेलेंगे, लेकिन मलिंगा ने उस ओवर में 2 वाइड गेंदें फेंककर सचिन को स्ट्राइक लेने का मौका नहीं दिया।
फिर भी मैच जीतने के बाद सचिन ने खेल भावना दिखाते हुए सभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे and don't forget to drop a like, leave a comment.